इंट्रोड्यूस डिग्री कॉलेज में सोमवार को इंस्टीट्यूशनल इनोवेशन के तहत ट्रेडिशनल मेडिसिन एंड इथनोबॉटनी एक्सप्लोरिंग न्यू होराइजंस इन ट्रेडिशनल एंड अल्टरनेटिव मेडिसिन विषय पर दो दिवसीय ऑनलाइन राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इंट्रोड्यूस डिग्री कॉलेज के कमेटी हॉल में कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर जेके लाल की अध्यक्षता में शुरू हुए राष्ट्रीय संगोष्ठी में ऑनलाइन माध्यम से मुख्य अतिथि के रूप में दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के विज्ञान संकाय अध्यक्ष प्रोफेसर शांतनु रस्तोगी, विशिष्ट अतिथि दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की वनस्पति विज्ञान विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर पूजा सिंह सहित विभिन्न प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष ऑनलाइन संगोष्ठी में शामिल हुए। इस अवसर पर कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर जेके लाल ने कहा कि भारत में पारंपरिक दवाओं की पद्धति प्राचीन काल से प्रचलित है और आज भी हम इन दवाओं का उपयोग स्वस्थ रहने के लिए करते रहते हैं। इस अवसर पर डॉक्टर सीओ सैमुअल, डॉक्टर सुभाष पीरी, डॉक्टर कंचन सरिता दास, क्षमा त्रिपाठी, प्रीति हर्षिता सहित महाविद्यालय के शिक्षक, शोध छात्र व एमएससी के छात्र व अन्य संस्थाओं के प्रतिभागी ऑनलाइन मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सेंट एंड्रयूज डिग्री कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर जेके लाल ने कहा। I thank the honor, a short seminar among the students and the research scholars. I have been working with medicinal plants for past 2 decades, and I have traditional medicine is very ancient. It is well documented and well documented. In spite of this, this has never been a mainstream form of curing the diseases as the allopath, because of India we have been able to commercialize very few medicines which are indigenous to our subcontinent. Nice introduction. It was a humbling experience. First of all, I would like to congratulate Mr. Dr. Jeke Lal for being the force behind so many activities which are happening even during the pandemic at St. Andrews College. And this is a very nice idea to have this seminar on traditional medicine. I congratulate Dr. Samuel. Resources. So, through this, I call upon the academicians, the young researchers, and all the scientists towards innovation in drug discovery from natural resources, as they mean custodian and protector of the natural resources. I extend my warm wishes and good luck to all the participants for the success of this 2-day seminar. हम लोग के यहाँ 2 दिन का नेशनल सेमिनार है ट्रेडिशनल मेडिसिन एंड एथनोबॉटनी एक्सप्लोरिंग न्यू होराइजंस इन ट्रेडिशनल एंड अल्टरनेटिव मेडिसिन। इस विषय पे 2 दिन का सेमिनार का उद्घाटन अभी हुआ है और ये 2 दिन तक सेशन चलेगा। इसमें देश विदेश के काफ़ी वैज्ञानिक और रिसर्च स्कॉलर्स पार्टिसिपेट करेंगे, और जिस दौर से हम लोग गुजरे हैं, अभी पूरा देश गुजर रहा है, एक तरह से पूरा विश्व समुदाय गुजर रहा है, इस वक्त बहुत सी मेडिसिन्स की खोज नहीं हो पाई है COVID-19 के लिए, तो सबका झुकाव एंड मेडिसिनल प्लांट्स और आयुष कह लीजिए या ट्रेडिशनल मेडिसिन्स जो विभिन्न जगहों से हैं, ख़ास तौर से एशियन कंट्रीज़ में जैसे चाइनीज़ मेडिसिन्स हैं, उनकी लोकल मेडिसिन्स वहाँ पे हैं, यूनान की हैं, इंडिया की हैं, जगह जगह की। बचपन में भी हम लोग सुनते थे दादी माँ के नुस्खे, सो वी डोंट हैव एनीथिंग रिटन, अभी तक हमारे पास लिखित कुछ नहीं है। तो इस सेमिनार के माध्यम से हम लोग बहुत से नई चीज़ों को भी एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। हमारे वैज्ञानिकों के लिए, हमारे जो न्यू कंपनीज़ इंस्टॉल कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा संदेश लेकर के आएगा।